Students, today we are in our 8th standard GK subject. Today we will learn about lesson number 11, means that lesson number 11 is about the full forms of some 10 words are given here. And in the B part, there are 5 questions are asked, there are fill in the blanks, the options are given, we just have to find out the correct option. Then lesson number 12, it is a green word. Here are given some 8 questions and every question has the 3 options. And the whole lesson is about the information of plants. Lesson number 13, again it is a mixed bag. And here total 7 questions are asked. And all the questions are based on the sports and the creation. So let's start. Hello students, so here we are on our lesson number 11, it is a mixed bag. In the A form, write the full forms of the following in the space provided. Here total 10 words are given and here are their full forms. First word, DNA. The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. DEOXYRIBONUCLEIC ACID. Deoxyribonucleic acid. It is the full form of DNA. Next, IMF, International Monetary Fund. जो international जो bank होती है, जो poor countries या needy countries को जो loan देती है, उसे बोलते हैं IMF. So International Monetary Fund, triple XL. It means extra 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 large. जो हमारे क्लोथ्स की जो साइज़ होती है उस पर ट्रिपल एक्सेल जो साइज़, जैसे एम साइज़, एल साइज़ वगैरह, उसी तरह से ये ट्रिपल एक्सेल साइज़ होती है. लेसर या LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ये अक्सर यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जहाँ पर रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए लाइट्स का इस्तेमाल होता है. तो लाइट amplification by stimulated emission of radiation. MAD या MADD, Mothers Against Drunk Driving. ये एक ऑर्गेनाइजेशन से जो ड्रंक एंड ड्राइविंग केसेस जो जिस वजह से होते हैं, जैसे बहुत सारे इंसान शराब पीकर अल्कोहलिक होकर गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं और बहुत सारे डेथ्स भी होती है हर साल पूरी दुनिया में. तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया MAD या MADD, मदर्स अगेंस्ट ड्रंक एंड ड्राइविंग. यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो यूनाइटेड नेशंस जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र, उनमें शिक्षण शास्त्र और जो कल्चरल होते हैं, जो ट्रेडिशन जो थिंग्स होते हैं, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसका नाम है यूनेस्को. GPS, ये अक्सर आपको अपने मोबाइल में भी देखने को मिलेगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. और मैप्स में भी ये एप्लीकेशन होता है, उसी वजह से हम मैप्स यूज़ कर पाते हैं. और बहुत बार रडार और सोनार जो होते हैं ये GPS सिस्टम पे ही चलते हैं, मतलब हमारे मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करके हम हमारा एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हम पता कर सकते हैं. देन UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. बहुत बार हम मूवीज़ में देखते हैं कि जैसे एलियंस आ गए वगैरह, उनका जो स्पेसक्राफ्ट होता है या एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसका रजिस्ट्रेशन ना किया हो या जो रडार पे दिखता ना हो, उसे बोलते हैं UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस के बारे में रिसर्च करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. रडार, रडार मेनली यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. एरोप्लेन्स में और बहुत बार एयर डिफेंस सिस्टम जो किसी कंट्री के या किसी भी कंट्री के वो बॉर्डर्स पर लगाई जाती है, जिस वजह से हमारी एयर बॉर्डर जो होती है, एयर स्पेस बॉर्डर, वो सिक्योर हो जाती है. और उस रडार में
उस रडार की पकड़ में अगर कोई भी अगर एरोप्लेन आ जाए तो तुरंत हमें पता चल जाता है. सो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. हियर इन बी पार्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन. द ड्यूरेंट लाइन लाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. द रेडक्लिफ लाइन मार्क द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है, वो जो लाइन है बॉर्डर की, उसे रेडक्लिफ लाइन से जाना जाता है. द 38th पैरेलल लाइन सेपरेट्स साउथ कोरिया फ्रॉम नॉर्थ कोरिया. और ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सर्वेलेंस की जाने वाली बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की. उसका नाम है 38th पैरेलल लाइन. द मैगिनॉट लाइन इज अ लाइन दैट डिमार्क्स द बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी. जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो बॉर्डर है, उसकी जो लाइन है, उस लाइन का नाम है मैगिनॉट लाइन. द 17th पैरेलल लाइन वॉज अ लाइन बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम. लेकिन बाद में साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम दोनों मिक्स हो गए और अब ये लाइन नहीं बची. वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है, उस लाइन का नाम है मैकमेहन लाइन. वैसे स्टूडेंट्स, नाउ वी आर नाउ ऑन अवर 12th लेसन. इट इज़ अ ग्रीन वर्ल्ड. टिक द करेक्ट आंसर. हियर आर 3 ऑप्शंस आर गिवन टू एवरी क्वेश्चंस एंड टोटल 8 क्वेश्चंस आर आस्क्ड हियर. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर प्लांट्स दैट लिव फॉर सेवरल ईयर्स. दे आर पेरेनियल प्लांट्स, ऑप्शन सी. सेकंड, सीडर विनेगर इज मेड ऑफ एप्पल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मिनिएचर ऑर्नामेंटल ट्रीज और श्रब्स ग्रोन इन पॉट्स आर कॉल्ड बोनसाई. मतलब जो पॉट्स छोटे से घर के अंदर, जैसे मनी प्लांट वगैरह जैसे हमारा होता है, वैसे जो पॉट्स में बढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं बोनसाई. ऑफ कुकुम्बर इज वाटर 96%. मतलब कुकुम्बर में 96% तक वाटर होता है. और ड्यूरिंग द समर सीजन कुकुम्बर खाना बहुत ही हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए. व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज पाइनएप्पल. इट इज अ बेरी. पाइनएप्पल इज अ बेरी. बनाना प्लांट इज अ हर्ब. बनाना ये एक हर्ब है. 7th नंबर, विच ट्रीज बार्क इज यूज टू मेक जैपनीज हैंडमेड पेपर. इट इज अ पेपर मलबेरी, ऑप्शन नंबर सी. 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्री प्लांटिंग वीक इन इंडिया नोन एज. वन महोत्सव. मतलब वन महोत्सव में इंडिया में पेड़ लगाने का एक प्रोग्राम हर साल किया जाता है और पूरे हफ्ते तक वो चलता है. सो स्टूडेंट्स, हियर वॉज द लेसन नंबर 12, ग्रीन वर्ल्ड. नाउ वी आर ऑन आवर लेसन नंबर 13. इट इज अ मिक्स्ड बैग. दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स एंड द क्रिएशन. वेयर डिड गोल्फ एज वी नो टूडे प्लेड ओवर 18 होल्स बिगिन. मतलब गोल्फ सबसे पहले कहाँ पे खेला गया, तो वो खेला गया स्कॉटलैंड में. देन क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस इन 1896. देयर वर 241 मेल एथलीट्स. हाउ मेनी फीमेल पार्टिसिपेंट्स वर देयर. नन. मतलब 1896 में जो ओलंपिक गेम हुआ उसमें टोटल 241 मेल एथलीट्स थे, मतलब पुरुष एथलीट्स थे, लेकिन उनमें एक भी फीमेल एथलीट नहीं थी. लेकिन अगर आप देखोगे तो बीजिंग ओलंपिक, लंदन ओलंपिक्स में जो भी हुए उनमें बहुत सारे फीमेल ओलंपिक थी. अ बेसबॉल हैज एग्जैक्टली 108 स्टिचेस. हियर इज द बेसबॉल. और अगर आप ये स्टिचेस जो अगर आपने गिने, ये सिलाई जो होती है, तो वहाँ पे टोटल 108 स्टिचेस होते हैं. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड अमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप. ही वॉज द विल्सन जोन्स. 5th नंबर, द ओनली स्पोर्ट टू बी प्लेड ऑन द मून इन फेब्रुवरी 1971 बाय एलन शेफर्ड इज गोल्फ. तो देखो, मून पर जो एस्ट्रोनॉट गए उन्होंने वहाँ पे एक गेम खेला,
तो वो गेम था गोल्फ, क्योंकि आसान ही गोल्फ खेलना वहां पर. हु वॉज डिस्क्राइब एज द प्रिंस ऑफ स्मॉल स्टेट बट किंग ऑफ ग्रेट गेम. ही वॉज के एस रंजीत सिंह जी. 7. अर्ली बॉलर्स वुड बॉल द बॉल अंडर आर्म. ट्रू और फॉल्स? इट वॉज ट्रू. मतलब पहले जो गेम्स होते थे वो अंडर आर्म बॉल डाल के खेले जाते थे. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 11, 12 एंड 13 ऑफ आवर 8 स्टैंडर्ड जीके सब्जेक्ट. थैंक यू.